हाय एवरीवन, मैं मनीषा आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी जर्नी व्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज मेरे डे की स्टार्टिंग हुई है सुबह के 4:30 बजे। मैं सोकर के उठी, थोड़ा बहुत पानी पीकर मैं घूम फिर ली हूँ, फ्रेशन अप हो गई हूँ और अब मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं ल्यूसेंट की बुक से सिनोम्स के रिवीजन में लगी हुई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वो कैप पोर्शन को हमें कंप्लीट करना है अपने जनरल पेपर के लिए भी, और मेरा तो सब्जेक्ट भी इंग्लिश ही है, तो मुझे तो उसमें भी इंग्लिश की हेल्प मिलने वाली है। वहाँ पर भी मुझसे सिनोम्स पूछे जाएंगे, तो वो कैप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिविजन और प्रैक्टिस, तो यही रिविजन मैं यहाँ पर बैठ करके कर रही हूँ। लगभग 40 मिनट मैंने वो कैब की रिवीजन किया, देन मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मुझे अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार भी करना होता है, तो कहीं वो स्कूल के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। उठते ही सबसे पहले मैं झाड़ू लगाने का काम करती हूँ, लेकिन फ्रेंड झाड़ू लगाते लगाते मुझे याद आया कि मुझे तो आज जो घिया होती है, लौकी होती है, उसको मुझे बॉयल करना था, तो मैंने पहले उसको बॉयल करने के लिए रखा बीच में झाड़ू को छोड़ करके, देन मैं दोबारा से झाड़ू लगाने लग गई। मेरे भी वही सब काम होते हैं जो कि आप सब लोगों के होते हैं। आप सब लोग जो भी हाउसवाइफ हैं, जिनकी भी शादी हो रखी है, बच्चे हो रखे हैं, उनके पास भी मेरी तरह ही काम होते हैं। चाय बना दी है और अब मैं फटाफट से पराठे बना दे रही हूँ बेटे के ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। देन बेटे को तैयार करके मैं स्कूल भेज देती हूँ। वो क्लिप आज मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ। फिर मैं अपने सारे घर का अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। अब मैं फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ चूल्हे के ऊपर। फ्रेंड्स, सभी काम करते करते मुझे लगभग 12 बजे का टाइम हो जाता है। डेली ही 11 और 12 के बीच में ही मेरे काम ख़त्म होते हैं। आप लोग देख रहे हैं 11:50 हो चुके हैं और मैं यहाँ पर अपनी स्टडी करने के लिए छत पर आ गई हूँ, क्योंकि नीचे घर में धूप नहीं आती है, तो थोड़ी सी धूप लेने के लिए मैं छत पर आ गई हूँ। अब ऐसा टाइम चल रहा है कि नीचे बैठते हैं तो ठंड लगती है और ऊपर आ जाते हैं तो धूप लगती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ी देर में धूप में स्टडी करूंगी, तो यहाँ मैं ऊपर छत पर आ गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने टाइमर को ऑन कर लिया है। आजकल मैं भी टाइमर लगा करके स्टडी कर रही हूँ कि मैं कितने आवर स्टडी कर पाती हूँ, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं अपने घर के काम के साथ साथ अपने कितने आवर स्टडी के लिए निकाल ले रही हूँ। इससे मुझे भी बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मैं इतने घंटे तो स्टडी कर ही लेती हूँ। और यहाँ सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, जो कि नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल से कर रही हूँ। करंट अफेयर को मैं ओनली सुनती सुनती नहीं हूँ फ्रेंड्स, या वीडियो देखकर ही नहीं छोड़ देती हूँ, उनको मैं साथ में नोट भी कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ना एक हैबिट है कि मुझे ना लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। मैं बुक जो पढ़ती हूँ ना, बुक की चीज़ें मुझे कम याद होती हैं, लेकिन जो मैं लिख करके रख लेती हूँ वो मुझे अच्छे से याद हो जाता है, और लिखे हुए को तो दोबारा से रिवाइज करने का भी मन करता है। अब आप लोग देख रहे हैं मैं नीचे रूम में आ गई थी, ऊपर मैंने करंट अफेयर करने के बाद नाउन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन फ्रेंड्स अचानक से क्या हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब तबीयत का तो कुछ नहीं है, मैंने तो मॉर्निंग से सोचा था कि हाँ मैं अच्छे से स्टडी कर लूँगी, लेकिन फ्रेंड्स तबीयत हमारे हाथ में नहीं होती है, तबीयत एकदम से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो यहाँ पर अब मैं कुछ मिनट ही स्टडी कर पाई थी कि बेटा स्कूल से आ गया। आज मैंने दोपहर में स्टडी नहीं की है, मैंने लगभग 2 घंटे तक रेस्ट किया है टोटली, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो तबीयत ख़राब होने के बाद मैंने रेस्ट किया, देन कुछ मिनट ही मैं पढ़ाई कर पाई थी। आप लोगों ने टाइमर में देखा भी होगा, बेटा स्कूल से आ गया तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे ही निभानी होती है। देन मैं दोबारा से बेटे को छत पर लेकर के आ गई कि वो छत पर कुछ देर तक खेल लेगा, थोड़ी सी धूप वो भी ले लेगा, और मैं यहाँ पर बैठ कर अपनी स्टडी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने नाउन वाला चैप्टर पढ़ा है, और हमें लगता है कि नाउन वाला चैप्टर बहुत इजी है, क्योंकि बचपन से उसको पढ़ते आ रहे हैं, 6th-7th class से हम नाउन पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन आज मैंने उसके अंदर बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं। फ्रेंड्स, हमें लगता ही है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं ना बुक से, तो उसमें बहुत सी नई चीज़ें आपके सामने निकल करके आती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए बता देती हूँ कि मैं अभी करंटली KVS के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। लास्ट ईयर ही मैंने अपने घर के काम के साथ साथ अपने BEd एग्ज़ाम एंड HTET, REET और CTET एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया है, और अभी मैं आने वाले KVS एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। जितना मुझे टाइम लगता है मैं उसी में कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकूँ। यहाँ पर दिन में मेरी 1 घंटे और 50 मिनट की ही स्टडी कंप्लीट होने पाई थी, फिर मैं बेटे को भी होमवर्क करवाने लग गई और अपनी स्टडी को मैंने बंद कर दिया।
बस फ्रेंड्स फिर घर के काम हो गए थे। मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि आप लोग समझ सकते हो रिकॉर्ड करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ जितना कि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ। अब शाम का टाइम है, शाम का क्या बोलूँ मैं, रात ही हो रखी है ये, और रात को हमने सब ने खाना वाना खा लिया है। मैंने जल्दी ही खाना बना लिया था, किचन को मैंने क्लीन कर लिया है और अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रूम में जाने के बाद थोड़ी देर बेटे के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर उसको सुला देती हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी मैं दोबारा से स्टडी कब करने बैठी हूँ। लगभग 8:30 बजे मैं दोबारा से अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने टाइमर को दोबारा से ऑन कर दिया है। फ्रेंड्स इस वाले टाइमर में ना मैंने जो मॉर्निंग में स्टडी की थी वो ऐड नहीं है। मॉर्निंग में भी मैंने लगभग आधे घंटे की स्टडी की थी तो वो इसके अंदर ऐड नहीं है। और मैंने अपना टारगेट सेट किया है कि मुझे डेली 5 आवर्स की स्टडी तो करनी ही करनी है। 4 आवर तो मैं निकाल लेती हूँ लेकिन 5 आवर्स के लिए मुझे थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी अपने आप से भी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ 6th क्लास की। आप लोग पूछ रहे थे ना क्या सभी एनसीईआरटीज लेना ज़रूरी है क्या, तो फ्रेंड्स जो केवीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस आया था उसमें एक एक चैप्टर दे रखा है, तो जब एक एक चैप्टर दे रखा है तो एनसीईआरटी लेनी ज़रूरी बन जाती है। आप लोग किसी गाइड के चक्कर में मत पढ़ना, एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, एनसीईआरटी सही रेट में आ जाती है। और चाहे तो आप लोग पुरानी भी ले सकते हो बुक डिपो से। हमें ऐसे लगता तो है कि एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक में होगा क्या, लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानना आज मैंने बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखी हैं। पहले मैं लेसन को पढ़ती हूँ, उसमें जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं उनको नोट करती हूँ, क्या पता एग्ज़ाम में वहाँ से सिनोम्स एंटीनोम्स बन जाए तो हमारे वोकैब पोर्शन भी वहाँ से अच्छा हो सकता है। आप लोगों को मैं कंप्लीट दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से स्टडी करती हूँ एनसीईआरटी की और किस तरह से मैं अपनी नोट्स बना रही हूँ। और फ्रेंड्स अभी तो नया सिलेबस आया है तो बुक भी अभी मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए मैंने पहले वर्ड मीनिंग्स को नोट किया है, फिर मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उनको नोट किया, देन उसके बाद जो बुक में एक्सरसाइज थी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो थे वो मैंने फिल किए हैं। इसी के साथ साथ इसमें ना कुछ अपोजिट वर्ड्स भी थे और कुछ और भी चीज़ें थी, बहुत सी नई चीज़ें भी मुझे इसमें मिली जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अब ये देखिए जो सिप्स होती है, सिप्स के झुंड को क्या बोलते हैं, फ्लिट बोलते हैं, फ्लोवर्स के झुंड को बंच बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत से नए वर्ड्स भी देखने को मिले, नई चीज़ें भी सीखने को मिली हैं और यहाँ पर कुछ अपोजिट वर्ड्स भी दिए हुए थे लास्ट में। देन मैंने जो पोएम थी वो स्टार्ट की द काइट। फ्रेंड्स पोएम को मैं ऐसे पढ़ती हूँ कि जो जैसे मान लो ये काइट द काइट पोएम है, इसके जो पोइट हैं हैरी बैन हैं, तो पहले मैं गूगल से उनके बारे में कुछ निकाल लेती हूँ, यानी कुछ निकालने का मतलब उनकी बायोग्राफी कि वो कहाँ के थे, क्या उन्होंने किया, कौन कौन सी उनने रचनाएँ की हैं, ठीक है, तो उनको मैंने नोट कर लिया है। देन उसके बाद आप लोग मेरे नोट्स देख सकते हैं, मैंने वर्ड मीनिंग्स को नोट किया है, ठीक, हैरी बैन के बारे में मैंने लिखा है कि उनका जन्म कब हुआ था, वो कहाँ से वो ग्रेजुएट हुए थे, उन्होंने कौन कौन सी जो मेनली पुस्तक थी वो लिखी, और मैंने इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो भी निकाली है कि इसमें राइम स्कीम कौन सी बनती है और यहाँ पर कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। तो फ्रेंड्स 6th to 10th कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें 6th to 10th ही एनसीईआरटी करनी है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपको ग्रेजुएशन लेवल जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, तो उस हिसाब से आपको अपनी स्टडी करनी है। और ये आप लोग देख सकते हैं मैं 3rd और 4th चैप्टर को मार्क कर रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स टाइम बहुत कम है, ऐसे एक एक चैप्टर करके करूँगी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर मेरे पास हिंदी की बुक है, सामान्य हिंदी सुमित कुमार की बुक है, निधि पब्लिशिंग हाउस की। फ्रेंड्स वैसे तो बुक अच्छी है लेकिन इसमें ना काफ़ी मिस्टेक्स लगती हैं मुझे, काफ़ी क्वेश्चंस में मुझे डाउट आते हैं तो उनको मैं गूगल करके देखती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर प्रीवियस ईयर में पूछे हुए तो उनकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देखना कि मैंने दिन में 5 आवर्स स्टडी के लिए निकाल ही लिए हैं। फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि हम कितना चलते हैं लेकिन ज़रूरी ये है कि हम रुकते कब तक नहीं हैं। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हो, बल्कि यह बात मायने रखती है कि आप रुके कब तक नहीं हो।
बस हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें जितना भी टाइम मिलता है अपने उसी टाइम में अपना 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। और फ्रेंड जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी पास ही समझ लो आप, आपके पास 3 मंथ्स का ही टाइम है, तो आप लोग भी और मैं भी अपनी जो आउटपुट है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं, अपनी नींद को छोड़कर ही हम अपनी आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, हमें रुकना नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो क्वेश्चन मुझे गलत लगते हैं मैं उनको सर्कल कर रही हूँ ताकि मैं उनको बाद में गूगल से देख सकूँ कि उनका सही आंसर क्या होगा। अब जब आप लोग इतना पढ़ लेते हो कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आपको चाहे कोई भी बुक हो उसमें कितनी भी मिस्टेक हो, आपको देखते ही पता लग ही जाता है कि ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। हिंदी की मेरी कंसेप्ट तो क्लियर है, बस मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो यहाँ से इस बुक से ही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस तरह से आप लोग देखिए मैंने 4.5 घंटे की टाइमर से पढ़ाई की, और मॉर्निंग में भी मैंने 1/2 आवर की स्टडी की थी, तब मैंने टाइमर को ऑन नहीं किया था, तो ये मेरी स्टडी कंप्लीट हुई। तो मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे व्लॉग में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।